गोवा में किसानों ने किया रोड जाम, सरकार को जमकर कोसा। किसानों ने आज सरकार व व्यापारियों को जमकर कोसते हुए रोड जाम किया, जिस कारण कई घंटे तक गोवा में अफरा तफरी का माहौल रहा। मेन रोड होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना था कि व्यापारी उनकी धान की खरीद नहीं कर रहे हैं और ना ही सरकार रेट लगा रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारी और सरकार आपस में मिलकर तय सीमा से सस्ते भाव में जीरे खरीद कर किसानों को चूना लगा रहे हैं। किसानों की लाखों टन जीरी अनाज मंडियों में पड़ी हुई है और मौसम खराब होने की वजह से किसान चिंता में है। दूसरी तरफ व्यापारियों ने खरीद बंद करी हुई है, जिस कारण किसान तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने प्रशासन पर भी आरोप लगाए कि वादा करने के बाद भी खरीद शुरू नहीं हुई है और उनकी जीरी अनाज मंडियों में खराब हो रही है। दूसरी तरफ प्रशासन से बातचीत करने पर पता चला कि विधानसभा के इलेक्शन नजदीक है, जिस कारण यह समस्या सामने आ रही है। जब व्यापारियों से बातचीत की गई तो व्यापारियों ने इसका सारा ठिकरा सरकार पर फोड़ा। व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल पूरे देश के कहीं भी बेच सकते हैं, परंतु पंजाब से आने वाली जीरी पिहोवा में बिकने नहीं दे रहे। पंजाब के साथ लगते किसान पिहोवा में अपनी जीरी आढ़तियों के पास बेचते हैं, परंतु सरकार पिहोवा में बॉर्डर के पास लगती पंजाब की जीरी पिहोवा नहीं आने दे रही, जिस कारण आढ़तियों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जब हरियाणा राइस मिल रही एसोसिएशन के उप प्रधान जनक राजा सिंगला से बातचीत की गई तो उन्होंने इसका सारा ढेरा सरकार पर छोड़ा और कहा कि सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण किसान और व्यापारी दोनों को तंग कर रही है। किसान बेचारा थोड़ा बड़ा जो इसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है, प्रशासन भी जान के किसानों के ऊपर दबाव डालता है। इससे हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। एक सरकार होती है जो सड़क के चलती है और एक गवर्नमेंट होती है। ये प्रशासन जो है गवर्नमेंट है, ये एक एक मिनट की पल की खबर रखते हैं जो किसानों को नींद लाएंगे। हम ये प्रशासन से गुजारिश करते हैं डीएसपी साहब से और सीआईडी वालों से कि हमारा यदि आज पेवा के अंदर खरीद चालू नहीं होगी तो चारों साइड मंडी को जाम कर देंगे। हाँ जी, आप अपना परिचय दीजिए, अपनी समस्या बताइए, क्या समस्या? मैं जनकराज सिंगला, पेवा राइस एसोसिएशन प्रधान, हरियाणा राइस एसोसिएशन के वाइस प्रधान। समस्या ये है कि सरकार ने 15 दिन पहले परचेज करनी चाहिए थी मंडियों में जो धान आया हुआ था, उसके लिए व्यापारी ने जिम्मेदार की समस्या को देखते हुए ये धान पहले ले लिया और जो कि सरकार के कहने पे, मार्केट कमेटी के कहने पे, उनकी समस्या को देखते हुए हमने जिम्मेदारों की ये माल हम अपने कारखाने में ले गए। कारखाने में लेने 27 तारीख को सरकार की बोली खड़ी हुई जिम्मेदार के दबाव पे। उसके बाद 27 तारीख ने परचेज करी गवर्नमेंट ने। 30 तारीख 28 तारीख को सरकार की टीमें हर सेलर के अंदर घूमने के लिए तैयार होगी। कुरुक्षेत्र के अंदर, सवाद के अंदर जो कि व्यापारियों का जो शोषण किया जा रहा है और व्यापारी इस काम के प्रति, हम तो सरकार को ये सोच रहे हैं साथ दे, सरकार का इलेक्शन आ रहे, सरकार के जो कर्मचारी हमारे पर दबाव बना के भी आपने चोरी करके माल बाहर से खरीद के लिया के दर दिया, 2,00,000 टन की परचेज कर दी एकदम सरकार की, जो कि सरकार ने खुद सोचना चाहिए। किसान की फसल आज 15 दिन पहले आ चुकी है, किसान मंडियों में रहेगा क्या, अपनी फसल को देखेगा? हाँ जी, यहीं 11 बजे चंडीगढ़ मीटिंग बुला रहे हैं। ठीक है ना, अभी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि 1 बजे तक पक्की खरीद शुरू। अच्छा सर जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ, जब कुरुक्षेत्र में बिक रही है, कैथल में बिक रही है, चीका में बिक रही है, यहाँ पे चंडीगढ़ का क्या? कुरुक्षेत्र और पेवा नहीं बिक रही, अखबार में आज है वहाँ भी नहीं बिक रही सर जी। अखबार में देख लेना, 1 बजे तक अपना देख।